बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि ऐसे बॉक्स पटकते हैं टेबल पर, पता नहीं क्या मिलता है उनको। मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई करके देखूं। आज हमारे पास बोट स्टोन 620 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 1800 रुपए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित पिरथियानी एंड वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर लेजी टेक। करेंगे इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग, चेक करेंगे क्या क्या कंटेंट मिलेगा, चेक करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी। हम टेस्ट भी करके देखेंगे इसका, वाटर बेस टेस्ट, पानी डाल के देखेंगे इस ब्लूटूथ स्पीकर पे, और 1800 रुपए के हिसाब से ये कितना वर्दी प्रोडक्ट है वो हम चेक करेंगे। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आपको बोट स्टोन 620 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर की ऐसी बिल्कुल डिसेंट रेक्टेंगल शेप की आपको बॉक्सिंग मिल जाएगी। काफी डिसेंट बॉक्स प्रोवाइड किया गया है, एंड अगर हम कंटेंट देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 ईयर की ब्रांड वारंटी, साथ ही में आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक बोट का कैटलॉग और यूजर मैनुअल। इसको आप चेकआउट करके सारी डिटेलिंग देख सकते हैं, एंड आपको मिलेगा यहाँ पे एक आई एम अ बोट हेड का स्टिकर, एक ऑक्स केबल मिल जाएगी इसके थ्रू भी आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, साथ ही में आपको मिल जाएगा टाइप सी का चार्जिंग केबल टू चार्ज योर ब्लूटूथ स्पीकर। आते हैं हम मेन प्रोडक्ट पर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बोट स्टोन 620 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, एंड काफी अच्छा खासा स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड की गई है, एंड अच्छा मटेरियल यूज किया गया है। दोनों साइड आपको मिल जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल ढोलक बेस रेडिएटर्स मिल जाएंगे। एक्जैक्टली कैसे इनमें आउटपुट आने वाला है हम आगे चेक करेंगे, साउंड टेस्ट करेंगे, एंड इसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक कैरिंग स्ट्रैप, इसी तरीके से कहीं भी कैरी कर सकते हैं पोर्टेबल तरीके से। मल्टीफंक्शन बटन्स मिल जाएंगे, एक्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं हमें डिस्कस करने वाले हम आगे। एंड साथ ही में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रबर के अंदर, यहाँ पे देखेंगे एक रबर का आपको इनपुट मिल जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑक्स इनपुट, टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट भी मिल जाएगा, इसके थ्रू भी आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। एंड लुक एंड फील में ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, काफी अच्छा खासा लुक एंड फील प्रोवाइड किया गया है, और लाइट वेट ही ब्लूटूथ स्पीकर है। देखने में थोड़ा हैवी लगता है लेकिन इतना हैवी है नहीं। इसको आप आसान तरीके से पोर्टेबल तरीके से कभी भी कैरी कर सकते हैं, बैग में कैरी कर सकते हैं। अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी गई है। बटन कंट्रोल्स की बात करेंगे, इसमें जो बटन दिया गया है ऊपर, उसको आप सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, उसी बटन को आप सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक पॉज होगा। प्लस माइनस दिया गया है, प्लस को सिंगल प्रेस करते रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, माइनस को सिंगल प्रेस करते रहेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, एंड प्लस को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक पर जाएगा, माइनस को लॉन्ग प्रेस करने से प्रीवियस ट्रैक पर जाएगा। सो इस तरीके से आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं। एंड जो यहाँ पे आपको एम बटन दिया गया है, इसमें आप मोड स्विच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डबल प्रेस करेंगे, एम बटन को डबल प्रेस करेंगे तो वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, एंड इसी बटन को आप सिंगल प्रेस करके एफएम में स्विच कर सकते हैं। एफएम मोड, ब्लूटूथ मोड। एंड अगर किसी का कॉल आ रहा है आपको एक्सेप्ट करना है तो ऊपर वाले बटन को आप सिंगल प्रेस करेंगे कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, उसी बटन को आप सिंगल प्रेस कर देंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आपको किसी का कॉल आ रहा है आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, सो ऊपर वाले ही मेन बटन को अगर आप 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आपको रीडायल करना है लास्ट डायल नंबर, उसी बटन को अगर आप डबल प्रेस कर देंगे तो लास्ट नंबर रीडायल हो जाएगा। सो इस तरीके से सारे के सारे मल्टीफंक्शन बटन्स वर्क करते हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, इसमें आपको मिलने वाला है ब्लूटूथ वर्जन 5.0, IPX4 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 12 वॉट्स का साउंड आउटपुट, ब्लूटूथ ऑक्स यूएसबी एंड एफएम रेडियो को कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाएगा, TWS मोड में भी स्विच कर सकते हैं, ऐसे दो स्पीकर आप कनेक्ट करके पार्टी मोड में भी प्ले कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 आवर्स तक का प्ले टाइम मिलेगा अगर आप म्यूजिक को 50% या 60% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो। सर ये थी इसकी अनबॉक्सिंग, इसके लुक एंड फील, बिल्ड क्वालिटी, इसके बटन कंट्रोल्स, और देखा जाए प्राइसिंग के हिसाब से जो इसके स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, मल्टीपल कनेक्टिविटीज ऑप्शंस दिए गए हैं, बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं। बिल्ड क्वालिटी बढ़िया आपको मिल जाएगी, दो आपको ढोलक मिल जाएंगे बेस रीडर्स। हम अभी चेक करने वाले हैं इसकी एक्जैक्टली बेस और साउंड म्यूजिक क्वालिटी एक्जैक्टली कैसी है। सो ओवरऑल मुझे प्राइसिंग के हिसाब से इसका लुक एंड फील, बिल्ड क्वालिटी से लेकर सच कोई दिक्कत नहीं लगी। बात करेंगे हम इसके म्यूजिक एक्सपीरियंस और बेस एक्सपीरियंस के, अब हम करेंगे साउंड टेस्ट, फिर हम डिसाइड करेंगे इससे म्यूजिक और बेस एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलने वाला है। My side, I keep all the words you said to me. I'll get you, get you, get you.
साउंड टेस्ट देखिए आपका नजर लग सकता है ऐसे म्यूजिक और बेस एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है। 12 वॉट्स के हिसाब से इसमें आपको काफी लाउडनेस मिल जाएगी, आप फुल वॉल्यूम पे डेफिनेटली सुन सकते हैं, डिस्टॉर्टेड आपको आवाज नहीं आने वाली है। अगर आप गैदरिंग करते हैं 8 से 10 लोगों के बीच में भी, अगर आप ट्रिप्स करते हैं, आउटिंग करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं छोटी मोटी, घर में ही आप पार्टीज अरेंज करते हैं छोटी मोटी, तो इसको आप डेफिनेटली इस ऑप्शन के लिए रख सकते हैं। क्लैरिटी आपको बढ़िया मिल जाएगी वोकल्स में। अगर आप सॉफ्ट म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो उसमें जो सूदिंग एक्सपीरियंस है म्यूजिक का मुझे काफी तक बढ़िया लगा। बात करेंगे बेस की, जैसे कि आपने वीडियो में देखा जो बेस रेडिएटर से अच्छे से वर्क करते हैं, बिल्कुल आपको पावरफुल और बूस्टेड बेस देखने को मिलेगा। जो वाटर टेस्ट हमने किया था, पानी बिल्कुल उछल उछल के बाहर आ रहा था, इसका बेस इफेक्ट से अगर आप हाथ में पकड़ेंगे ब्लूटूथ स्पीकर को तो आपको ज्यादा पता चलेगा इसके बेस इफेक्ट्स। लेकिन अगर आप प्लेस कर देंगे ब्लूटूथ स्पीकर को, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अगर आप थोड़ा दूर बैठे हुए तो आपको उतना नहीं पता चलने वाला कि बेस इफेक्ट्स आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। हल्के हल्के आपको बेस इफेक्ट्स लग सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर को पास में रखेंगे अपने या हाथ में कैरी करेंगे तो आपको प्रॉपर बेस इफेक्ट्स पता चलेंगे। सो ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे बेस इफेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप बोलते ना कि आपको रख के, अगर आपको ब्लूटूथ स्पीकर प्लेस करके थोड़े बहुत दूर पर बैठे हैं तो हो सकता है उतना बेस इफेक्ट्स आपको पता नहीं चले। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी की। सर मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 और मैं बेस क्वालिटी दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5। दीज आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ब्लूटूथ स्पीकर अप्रॉक्सिमेटली 1800 रुपीज। सर 1800 के हिसाब से अगर ये 1500 का मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये 1500 का मिलता है तो उसको आप डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर आप बोल सकते हैं। इस प्राइसिंग के हिसाब से मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाएंगे, अच्छी आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगी, दो आपको बेस रेडिएटर्स मिल जाएंगे, कॉम्पैक्ट सा लुक एंड फील बढ़िया दिया गया है, पोर्टेबल तरीके से कोई भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन 1800 के हिसाब से मेरे को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ओवर प्राइस लगा, 1500 इसका बिल्कुल बेस्ट प्राइस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। 1500 में मिलता है तो उसको आप ले सकते हैं, बढ़िया ऑप्शन है। मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो, आपको कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। So this was all about the unboxing, reviews, rating, sound test and overall experience of the recently launched Boatstone 620 portable Bluetooth speaker. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.